हम लोग सभी कहीं ना कहीं अलग-अलग सरकमस्टेंसेस में किसी ना किसी समय पर अपना गुस्सा कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ये जो स्टोरी है, ये है एक मंक की, जो कि बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने की इच्छा रखते थे। इसलिए एक बार उन्हें सोचा कि मैं ऐसी जगह पर चला जाता हूँ जहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई बंदा कोई व्यक्ति मेरे आसपास ना आए और मैं बिल्कुल शांत जगह पे चले जाता हूँ। उन्होंने एक बोट ली और नदी के बिल्कुल बीच में जाकर और मेडिटेट करना चालू कर दिया। घंटों तक वे मेडिटेट करते रहे, आंखें बंद करके और ध्यान की मुद्रा लगाकर। वहाँ टोटल शांति थी, कोई भी आसपास आने जाने वाला या किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं थी। मंक की आंखें बंद थी। बड़े ही घंटों बाद सडनली उनकी बोट से आकर एक बोट जोर से टकराई। आंख खोलने से पहले ही मंक ने हजारों चीजें अपने दिमाग में सोच ली। उनके मन में इतना जबरदस्त गुस्सा उबल उठा कि उन्होंने सोचा कि ये जो भी है जो मेरा ध्यान भंग कर रहा है, उसे मैं बुरी तरह से डांटूंगा। ये इस बोट मैन की हिम्मत कैसे हुई कि मेरा ध्यान इसने भंग किया? लेकिन जैसे ही उनने आंखें खोली तो देखा कि ये जो बोट थी उसमें कोई भी नहीं था। खाली बोट तैरती तैरती कहीं से आ गई थी और उनकी बोट से टकरा गई थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि उस बोट में कोई नहीं था और बोट खाली थी, उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। उन्होंने सोचा कि गुस्सा सामने वालों में नहीं है, सामने वालों में ताकत नहीं है कि वो हमें गुस्सा दिला सके या हमें इरिटेट कर सके, हमें परेशान कर सके। जो गुस्सा है वो मेरे अंदर भरा हुआ है। बाहर के जो सरकमस्टेंसेस हैं वो खाली उस गुस्से को प्रोवोक करते हैं, बाहर निकालते हैं। सारा गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ है। तो जब भी आगे से उन्हें गुस्सा आता, वे उसी बोट को याद करते। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती जिसमें कि वो अपना आपा खो देते, वो हमेशा उस बोट को याद करते कि देखो, बोट तो आउटसाइड सरकमस्टेंस थी, गुस्सा तो एक्चुअल में मेरे अंदर भरा हुआ था। धीरे धीरे यही सोचते सोचते उन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल पाया और काफी शांत हो गए। ये स्टोरी शायद हम सब पर एक ही तरह से लागू होती है। कई बार कई सारे सरकमस्टेंसेस में हम इतने सडनली भड़क उठते हैं कि शायद हमें भी पता नहीं होता कि हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं। सडनली इतना इरिटेट हो जाते हैं, इतने प्रोवोक हो जाते हैं कि हमें भी अपनी रिएक्शन पर बाद में सोचने पर आश्चर्य होता है। तो जब भी इस तरह का गुस्सा हमारे मन में उबले, तो इस बोट के बारे में अगर सोचेंगे हम, तो शायद हो सकता है हम इस गुस्से को कंट्रोल कर पाए। नमस्कार।